नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक महीने में सभी बच्चे हो जाएंगे वैक्सीनेटेड। आज सीएम नीतीश ने बुलाई बैठक, लग सकती है कई पाबंदियां। जीतनराम मांझी परिवार समेत हुए कोरोना पॉजिटिव। बिहार बोर्ड जल्द ही जारी करेगी इंटर और मैट्रिक के एडमिट कार्ड। 100 प्रभावशाली युवाओं की लिस्ट में शामिल हुए तेजस्वी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एक महीने में सभी बच्चे हो जाएंगे वैक्सीनेटेड। बिहार में बीते दिन से 15 से 18 साल तक के बच्चों के टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। देश भर की बात करें तो यूपी के बाद बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पर 15 से 18 साल के आयु वर्ग के सबसे अधिक बच्चों की संख्या मौजूद है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 83,46,000 इस आयु वर्ग के युवा मौजूद है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये लक्ष्य रखा है कि जनवरी महीने के अंत तक प्रदेश भर में 80 लाख से अधिक बच्चों को पहले डोज से वैक्सीनेट कर दिया जाए। वहीं फरवरी तक प्रदेश भर के सभी बच्चों को दोनों डोज का टीका दे दिया जाए। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के ईडी संजय कुमार ने कहा है कि बच्चों के टीकाकरण का काम बिहार में तेजी से किया जाएगा। फरवरी तक हमारा लक्ष्य है कि हम इस उम्र वर्ग के युवाओं को वैक्सीनेट कर दें। सीएम नीतीश के जनता दरबार में 14 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। बिहार में नए साल में पहले जनता दरबार का आयोजन बीते दिन करवाया गया। इस दौरान जहां एक तरफ सीएम नीतीश ने अपने पास आए फरियादियों की फरियाद सुनी, वहीं दूसरी तरफ उनके ही दरबार में मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 6 फरियादी, खाना बनाने आए होटल के 5 कर्मचारी और 3 सिपाही शामिल है। एंटीजन टेस्ट में इतनी बड़ी संख्या में लोगों में संक्रमण मिलने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनता दरबार में सीएम के पास जाने से पहले फरियादियों की कोरोना जांच कराई जाती है। इसी के तहत बीते दिन करवाई गई, जिसमें ही इतने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या हुई 45। अगर आप भी आने वाले दिनों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का दीदार करने वाले हैं तो आपको वहां पर बाघ भारी संख्या में दिख सकते हैं, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 8 नए मेहमानों को लाया गया है, जिसके बाद रिजर्व में बाघों की संख्या 45 पर पहुंच गई है। हाल ही में बाघों की हुई गणना के बाद ये आंकड़े जारी किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जंगल में बाघों की बढ़ती संख्या से वीटीआर प्रशासन गदगद है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर संकेत है। बढ़ती संख्या से पर्यटकों को बाघ देखने का रोमांच आसानी से मिल सकेगा। वीटीआर के वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक हेमकांत रॉय ने बताया है कि बाघों की संख्या बढ़ना हर दृष्टि से बेहतर है। आज सीएम नीतीश ने बुलाई बैठक, लग सकती है कई पाबंदियां। बिहार में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे आंकड़ों को देखें तो बिहार में हर दिन आ रहे मामलों में उछाल देखा गया है, जिसके बाद से ही लोग बिहार में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे, जिस पर ही अब सीएम नीतीश ने सारी स्थिति को साफ कर दिया है, जिसके तहत इन्होंने साफ किया है कि बिहार में लॉकडाउन हो या नाइट कर्फ्यू, इसको लेकर कई संकेत दिए जाएंगे। मंगलवार यानी कि आज होने वाली बैठक के बाद अगले 5 से 7 दिनों के लिए कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें बिहार की कोरोना की स्थिति के बारे में चर्चा होगी। साथ ही बिहार में कोरोना के रोकथाम को लेकर क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। पटना हाईकोर्ट में कोरोना महामारी पर हुई सुनवाई, सरकार से कोर्ट ने मांगा रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना हाईकोर्ट में भी बीते दिन सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने बिहार में कोरोना संक्रमितों के इलाज और तीसरी लहर से बचाव को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई है, इसकी रिपोर्ट मांगी है, जिसके तहत शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवा को लेकर क्या तैयारी की जा रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार ने बताया है कि अगली सुनवाई में राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों के संबंध में पूरा ब्यौरा बुकलेट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन अभी ओमिक्रॉन नामक नए वेरिएंट के तेजी से बढ़ने के कारण स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दिल्ली मुंबई समेत कई राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहारवासियों को अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। बिहार में पछुआ हवा चलने के कारण लोगों को ठंड की परेशानी का सामना अभी और ज्यादा करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही नमी ने दोपहर बाद चल रही पछुआ हवाओं के साथ आ रही धूल और धुएं के साथ स्मॉग के रूप में आसमान में डेरा डाल लिया है। ये स्मॉग धूप की राह में रोड़ा बन गया है। बिहार में 7 जनवरी के बाद आसमान में बादल छाए रहने की भी उम्मीद है। 7 से 14 जनवरी के बीच बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने के बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर एस एन पांडे ने बताया है कि तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 2 से 3 दिन में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बढ़ते
संक्रमण के बीच लोग दिख रहे लापरवाह। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आलम कुछ यूं है कि हर दिन के साथ बिहार में आए पूरे मामलों में से सबसे ज्यादा मामले यहीं से आ रहे हैं। हालांकि लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं है क्योंकि लोग पहले की तरह ही बेफिक्र घूम रहे हैं। लोगों की इसी बेफिक्री को देखते हुए बीते दिन राजधानी पटना में लोगों की जांच के लिए धावा दल को लगाया गया। खबर के अनुसार पटना शहर में 5 धावा दल बनाया गया है, जिसमें एक मजिस्ट्रेट और 2 सिपाही और एक अन्य को अनाउंसमेंट के लिए रखा गया है। लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए मजिस्ट्रेट प्रभात रंजन ने अभियान चलाया। इस दौरान सड़कों पर रेहड़ी लगाने वालों को भी मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया है। बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के काउंसिलिंग को लेकर पटना हाईकोर्ट ने किया बड़ा ऐलान। प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के काउंसलिंग पर याचिका के निष्पादन तक रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर ही बीते दिन सुनवाई करते हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हलफनामा दायर करने को कहा गया है। इस दौरान कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से साल 2014 या साल 2016 में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मांगने से मना कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इस मामले में प्रतिवादियों द्वारा लिए जाने वाला कोई भी अंतिम निर्णय इस याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा। हालांकि इसी बीच याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अलका वर्मा का कहना था कि इस तरह की जानकारी विज्ञापन में नहीं दी गई थी, इसलिए जारी किया गया आदेश पूरी तरह से मनमाना है। मांझी परिवार समेत हुए कोरोना पॉजिटिव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अपनी बहू समेत 18 लोगों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी जानकारी हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी है। उनकी तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार जीतनराम मांझी, उनकी पत्नी शांति देवी, बेटी पुष्पा मांझी, बहू दीपा मांझी और पीए गणेश पंडित सहित 18 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खबरों की माने तो जीतनराम मांझी पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही फिलहाल आइसोलेशन में है। अभी सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सांस लेने में परेशानी या कोई अन्य गंभीर शिकायत अब तक सामने नहीं आई है। आज बिहार की पहचान में हम बात करेंगे अनामिका की। अनामिका हिंदी की कवियत्री हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल और केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में उनको उनके टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अनामिका आधुनिक समय में हिंदी भाषा की प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार हैं। समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवियत्रियों में से वो शामिल की जाती हैं। प्रख्यात आलोचक डॉक्टर मैनेजर पांडे के अनुसार भारतीय समाज और जनजीवन में जो घटित हो रहा है और घटित होने की प्रक्रिया में जो कुछ गुम हो रहा है, अनामिका की कविता में उसकी प्रभावी पहचान और अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। लंबित केसों के निपटारे में कई जिलों के पुलिस अधिकारियों का परफॉर्मेंस खराब। बिहार में अपराध के मामलों में भले ही थोड़ी गिरावट आई हो, लेकिन लंबित आपराधिक मामलों के मुकाबले कांडों के निष्पादन में विभिन्न जिलों के पुलिसकर्मियों के परफॉर्मेंस सवालों के घेरे में है। आलम कुछ यूं है कि गंभीर मामलों के निष्पादन में कई जिला पुलिस का काम अप टू मार्क नहीं है। जनवरी से अक्टूबर 2021 के 10 महीनों के लंबित कांडों और उसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर, गया और सारण का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। पिछले महीने भी हुई समीक्षा बैठक के दौरान अलग अलग आपराधिक शीर्ष में भी कई अन्य जिलों में लंबित कांडों के निष्पादन की रफ्तार धीमी पाई गई है, जिसमें गया, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान और वैशाली में पुलिसकर्मियों के काम को निराशाजनक पाया गया है, जिसके बाद ही अब पुलिस मुख्यालय ने इसे संतोषजनक नहीं मानते हुए इन जिलों के एसएसपी और एसपी को इस पर ध्यान देने को कहा है। अब ऑनलाइन मिलेगा इंसाफ। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब पटना हाई कोर्ट भी गंभीर हो गया है। महामारी के मद्देनजर कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि 4 जनवरी 2022 से सभी मामलों की सुनवाई कोर्ट ऑनलाइन ही करेगा। शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह फैसला लिया है। सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर यह जानकारी दी गई है कि पटना हाईकोर्ट के कुछ कर्मी और जज भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और अब इन सबको देखते हुए केसेस की सुनवाई ऑनलाइन कर दी जाएगी। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की जान जाने से नाराज है मंत्री। बिहार में हाल ही में पंचायत चुनाव का समापन हुआ है, जिसके बाद ही कई पंचायत प्रतिनिधियों के जान लेने की खबर सामने आई थी, जिस पर ही सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इसको लेकर कुछ दिनों पहले भी पंचायती राज विभाग ने पिछले दिनों इस पर चिंता जताई थी और व्यक्त भी किया था, जिसके बाद अब जाकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाल ही के दिनों में पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और सभी जनप्रतिनिधियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों की जान लेने वालों को 3 महीने में स्पीडी ट्रायल करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, 1 साल तक उनका बिल नहीं मिलने का प्रावधान लागू किया जाएगा और इसके साथ ही आजीवन उन्हें जेल में सड़ाने के लिए सरकार हर संभव कानून का उपयोग करेगी। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। बिहार में भैंस खरीदने पर अब मिलेगा अनुदान।
अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और भैंस खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। राज्य में दूध का व्यापार बढ़े इसको लेकर बिहार सरकार ने खास ऐलान किया है, जिसके तहत ही सरकार ने अब भैंस खरीदने की इच्छा रखने वाले और दूध का व्यापार करने वालों को अनुदान देने का ऐलान किया है। बिहार सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मुर्रा नस्ल की एक भैंस की कीमत लगभग 1,00,000 रुपए है। किसानों को मुर्रा नस्ल की भैंस 40% अनुदान पर 60,000 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी। मुर्रा नस्ल की भैंस का औसत उत्पादन 12 से 13 लीटर दूध प्रतिदिन है, जबकि बिहार में फिलहाल भैंस के दूध का औसत उत्पादन 4 से 4.5 लीटर का है। वर्तमान समय की बात करें तो बिहार में मुर्रा नस्ल की भैंस 5% से भी कम है। किसानों को कम दाम में अधिक उत्पादन करने वाले मुर्रा नस्ल की भैंस के मिलने से न सिर्फ बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों की आमदनी भी काफी बढ़ेगी। डीआईजी शिवदीप लांडे ने पदभार किया ग्रहण। अपने काम को अलग अंदाज में करने के लिए मशहूर शिवदीप लांडे को हाल ही में कोसी रेंज का डीआईजी बनाया गया है। सहरसा पहुंचने के साथ ही शिवदीप लांडे ने बीते दिन अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान सहरसा एसपी लिपि सिंह ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान कई पुलिस पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया और उन्हें नए साल की बधाई दी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। साथ ही कहा कि उन्होंने अभी अभी चार्ज लिया है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में पूरे केस और लॉ एंड ऑर्डर को देखूंगा, साथ ही 3 जिलों के एसपी से भी बातचीत जारी है। उन्हें मेरा पूरा कॉरपोरेशन रहेगा। बिहार बोर्ड जल्द ही जारी करेगी इंटर और मैट्रिक के एडमिट कार्ड। अगर आप भी बिहार बोर्ड की तरफ से इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए हमारी ये खबर कुछ खास है। बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार डेट शीट जारी करने के साथ ही जल्द ही बिहार बोर्ड के छात्रों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। खबरों की माने तो बोर्ड 10 जनवरी के आसपास एडमिट कार्ड जारी करने का काम कर सकता है, जिसके तहत ही अब छात्र ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसे डाउनलोड कर सकेंगे, जिसके बाद 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। बिहार की बेटी को गूगल से मिला 1.10 करोड़ का पैकेज। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, क्षेत्र चाहे जो भी हो, बिहार के युवा वहां अपना परचम लहरा ही रहे हैं। इतना ही नहीं, हर साल बड़ी बड़ी कंपनियों में भी बिहार के युवा अपना जौहर दिखाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में अब बिहार की एक और बेटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत पटना की रहने वाली संप्रीति को गूगल ने 1.10 करोड़ के सालाना पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी दी है। 14 फरवरी से गूगल में वो काम करना शुरू कर देंगी। एमबीए करके वो आगे पढ़ना चाहती हैं। वर्तमान समय की बात करें तो 2021 मई में दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद कैंपस सिलेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 44 लाख के पैकेज पर वो अभी काम कर रही है। वैशाली के कुटागारशाला विहार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुटागारशाला उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां भगवान बुद्ध बारिश के मौसम में अपने वैशाली प्रवास के दौरान रहते थे। उत्खनन ने इसके निर्माण के 3 चरण को उजागर किया है। मूल रूप से यह एक छोटी सी चिता थी जो सुंगा कुंश काल के दौरान बनाई गई थी। इसके बाद गुप्ता अवधि के दौरान 2रे चरण में एक ऊंचा मंदिर में विस्तार किया गया और अंत में गुप्ता अवधि के बाद 3रे चरण में कई विभाजन दीवारें प्रदान कर मंदिर को मठ में परिवर्तित किया गया था। स्वप्रभावशाली युवाओं की लिस्ट में शामिल हुए तेजस्वी। इंडिया टुडे हिंदी ने साल 2022 की पहली अंक और अपनी 35वीं वर्षगांठ विशेषांक में अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह तेजस्वी यादव को दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन इंडिया टुडे ने अपने 35वीं वर्षगांठ विशेषांक में भारत के 100 नए चेहरों को शामिल किया था। मैगजीन के अनुसार ये चेहरे अपने अपने क्षेत्र विशेष में नुमाइंदगी कर सकते हैं। ज्ञात हो, कवर पेज पर तेजस्वी के साथ 4 अन्य नामों को शामिल किया गया है जो अलग अलग क्षेत्र से हैं। इसमें राजनेता के तौर पर सिर्फ तेजस्वी ही ऐसा नाम है जिन्हें जगह मिली है। इसके अलावा क्रिकेट में स्मृति मंधाना, उद्यमी करण अडानी और फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और रॉकेट निर्माता पवन चंदाना का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, एक और खास बात यह है कि इस मैगजीन की पहली स्टोरी भी बिहार से ही है जो कि बिहार में हुए शराबबंदी से जुड़ी है। ने किया नवनिर्मित पटना साहिब भवन का उद्घाटन। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब गुरुद्वारा गुरु के बाग स्थित परिसर में गुरु गोविंद सिंह के 355वें प्रकाश पर्व के मौके पर यात्रियों के ठहरने के लिए 15 करोड़ लागत से बनाए गए पटना साहिब भवन का उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि यहां के व्यवस्थापकों से बातचीत कर ले और जो भी जरूरी मदद हो वो मुहैया करवाई जाए। इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राम सूरत कुमार, पूर्व मंत्री सह विधायक नंद किशोर यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुभानी, पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल समेत तमाम बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार
भाजपा को मिला बड़ा टास्क। सोमवार को पटना के रविंद्र भवन में बिहार भाजपा के सभी मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यहीं पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने सभी बिहार भाजपा को बड़ा टास्क दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में भाजपा के सामने सभी दलों का जनाधार इतना छोटा हो जाए कि कोई दूसरा दल दिखाई न पड़े, हमें यहां तक पहुंचना है। उन्होंने कहा है कि जब तक नए लोग दल से नहीं जुड़ेंगे पार्टी मजबूत नहीं होगी। इस दौरान नित्यानंद रॉय ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हर युवा पदाधिकारी 100 नए कार्यकर्ता खड़े करे, साथ ही सभी मोर्चों के पदाधिकारी 75-75 नए कार्यकर्ताओं को भाजपा से जोड़े, तभी हम बिहार में पार्टी को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। चुनाव रैलियों और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर लगे रोक। बिहार में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण ही बिहार का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। यही कारण है कि बिहार सरकार लोगों से बार बार कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का नियमित रूप से पालन करने की सलाह दे रही है। इसी बीच जा प्रमुख पप्पू यादव ने देशभर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सुझाव दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यूरोप से सीख लेने की जरूरत है। ऐसी भी खबर आ रही है कि लॉकडाउन लग सकता है, सभी दुकानें मॉल को देर रात तक खोला जाए, लॉकडाउन बिल्कुल ना लगे, नहीं तो लोग बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी से मर जाएंगे। केंद्र सहित राज्य सरकार अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जनता में भय का माहौल पैदा न करे, सिस्टम को दुरुस्त करे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत ही 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश को भाजपा की सहमति का है इंतजार। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत जारी है, जहां इस मुद्दे को लेकर बिहार के सभी दल एक मुश्त राय रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा जातीय जनगणना करवाने से साफ इनकार कर रही है। हालांकि भाजपा के कुछ लोग ने जरूर इसका समर्थन किया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि सरकार अपने खर्चे पर यह करवाए। वहीं अब एक बार फिर से सीएम नीतीश ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने साफ किया है कि इस मुद्दे पर भाजपा से अभी सहमति नहीं मिली है। सर्वदलीय मीटिंग के लिए सभी पार्टी से बात की गई है, सबका जवाब आ गया है, भाजपा की तरफ से जवाब का इंतजार है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये सर्वदलीय मीटिंग है तो सबको कह दिया है। चारा घोटाला मामले में इस महीने आएगा बड़ा फैसला। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं, यहां तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी की इस महीने सुनवाई होने वाली है, और उम्मीद है कि जनवरी में ही इसका फैसला भी आ जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अदालत ने आरोपियों की संख्या जानने के लिए उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया है। मौजूदा समय में इस मामले में 112 आरोपियों को मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है, इसमें से लालू प्रसाद यादव समेत 99 आरोपियों की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। बाकी 3 आरोपियों की तरफ से 3-4 जनवरी को बहस पूरी की जाएगी। वहीं बहस पूरी कर चुके 1-2 आरोपियों की जाने की खबर भी सामने आई है, लेकिन उनकी तरफ से अदालत ने मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दाखिल किया है। के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के वॉइसरॉय विलिंगटन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को 1932 में गिरफ्तार किया। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस का उद्घाटन 1972 में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जफर उल्ला खान जमाली के बीच 2004 में इस्लामाबाद में वार्ता आयोजित हुई। भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने आदेश पर 2010 में शेयर बाजार के खुलने का समय घंटा पहले सुबह 9 बजे कर दिया। 1931 में अभिनेत्री निरूपा रॉय का जन्म हुआ। 1965 में अभिनेता आदित्य पंचोली का जन्म हुआ। 4 जनवरी 1931 को मोहम्मद अली का निधन, जो भारत के प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका हुआ था। 4 जनवरी 1983 को झाबर मल्ल शर्मा का निधन, जो राजस्थान के वयोवृद्ध साहित्यकार, पत्रकार और इतिहासकार थे, उनका हुआ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है मिथुन कुमार पंडित, शाहजहां खातून, शंकर मुखिया, बिमल सिंह, कुंदन साजवान, लालू कुमार, फैजान खान, प्रिंस कुमार, नीतीश कुमार, ब्रजकिशोर शाह, पूजा कुमारी, खुशबू क्रिएशन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में आज होने वाली बैठक में सरकार को नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे नियमों को लागू कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।